आई एम डॉली राणा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना सो आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश सेकेंड बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द ओल्ड क्लॉक शॉप एक पुरानी घड़ी की एक पुरानी घड़ी की दुकान सो लेट स्टार्ट इट्स क्रिसमस हैव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स ये क्रिसमस का दिन था और क्या था दुकानों का बंद होने का टाइम हो रहा था रेइ ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन जो रेज जो रे की घड़ी की दुकान थी पुरानी वो अभी भी खुली थी टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ वहाँ पर दो शॉपर्स दुकान में आए तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं क्रिसमस एव हैड अराइव क्रिसमस की शाम थी एज लास्ट मिनट वेयर गोइंग होम लास्ट मिनट पे क्या थे सारे जितने भी शॉपर्स थे वो घर जा रहे थे अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर द सल्ट लेट सिटी यू तो क्या हुआ था एक पतली सी वाइट कलर की जो बर्फ़ की स्नो की बर्फ़ की जो लेयर थी वो क्या हुई थी यूएसए में लेटी हुई थी मतलब वहाँ पे क्या हुई थी बर्फ पड़ी हुई थी येट द लाइट्स वेर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप और जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी पुरानी घड़ी की दुकान थी वहाँ की लाइट अभी भी जली थी एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड जो वहाँ जो रे है दुकान का ओनर है वो क्या है बूढ़े हैं और दुकान में एक घड़ी में काम रहे हैं जो कि उन्हें उस दिन बेचनी है फिनिशिंग हिज वर्क वो जैसे ही उन्होंने अपना काम खत्म कर रहे थे रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम वेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्राम द फ्रंट डोर हीट द बैक ऑफ हिस्ैक तो जैसे ही रे अपने घर के लिए निकलने वाले थे वैसे ही क्या हुआ एक हवा की ठंडी सी हवा का झोंका उनके गर्दन उनके पीछे तरफ से गर्दन में आती है जो कि दरवाजे से आ रही होती है जो हवा हिटर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर्स तो क्या हुए थे वो एक लास्ट मिनट शॉपर्स पे दुकान पे मिल मिलना था मतलब उनको ही टर्न टू मीट उन्हें मिलना था किसी एक लास्ट मिनट शॉपर से बट ही इज़ ओल्ड पर वो क्या थे बूढ़े थे वाइस आई टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर तो जो भी शॉपर आया था वो क्या था उस बूढ़े शॉपकीपर जो हैं जो शॉपकीपर हैं वो क्या हैं जो रहे थे जो ओनर हैं उस दुकान के ओल्ड क्लॉक शॉप के तो वो देखते हैं कि जो शॉपर्स आ रहा है जो ग्राहक आ रहा है उनके दुकान के अंदर वो दुकानदार नहीं है ही हिस्सा टू मैन वो दो आदमियों को देखता है ही हिस्सा टू मैन दो आदमियों को देखता है वन इन हीज़ ट्वेंटीज द अदर क्लोजर टू फिफ्टी एक क्या है बीस uh, बीस उम्र तक की है जिसकी एज बीस तक की है और दूसरा क्या है जिसकी उम्र फिफ्टी तक की है द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर जो जवान वाला व्यक्ति था वो दरवाजे पे आता है द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंड्नेस इन हीज आइज तो उसकी आंखों में कोई भी मतलब फ्रेंड्लिनेस नहीं दिख रही थी रे वॉज़ एबल टू हाइड इज ग्रोइंग फीयर एज ही स्लोली पुस्ड अ नोट पैड एंड द पेंसिल अक्रॉस द काउंटर जो रे थे वो अपने गुस्से को मतलब जो उनके उनके अंदर डर बढ़ रहा था कि ये लोग कौन है करके वो अपने डर को छुपाते हुए हल्के से एक नोट पैड और पेंसिल देते हैं एक उसको जो काउंटर पे आया होता है क्योंकि जो रे होते हैं वो क्या होते हैं बहरे होते हैं जो ना सुन सकते हैं तो एकरोस द काउंटर ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस वो हंसता है जो दुकान में आया होता है वो हंसता है अनफ्रेंडली फेस के साथ मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी सी उसकी स्माइल नहीं होती है पर वो हंसता है देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शोक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड वैसे ही वो अपने कानों को और सर को हिला रहा होता है साइड टू साइड अ क्विक लुक ऑफ़ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड तो वैसे ही वो आदमी सरप्राइज होता है जब वो उस नोट पैड को पढ़ता है देन द टर्न एंड सेट समथिंग टू his फ्रेंड और वो वैसे ही मुड़ता है और अपने दोस्त को कुछ कहता है रे यूज टू chance टू लुक क्लोजली एट द मैन जो रे हैं वो देखना चाहते हैं उसको, उस आदमी को बहुत नज़दीक से पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट तो जो रे होते हैं वो देखते हैं एक बंदूक का बंदूक की साइज का कुछ उसके जेब में देखते हैं जो अननोन इंसान आया है शॉप पे और उसके हाथ जो उसके कोट के अंदर है उसको देखते हैं कौन रे जो उस दुकान का मालिक है देन एंगर बॉइल्ड विथ हम तो वैसे ही उनको गुस्सा आने लगता है किसको दुकानदार को बट इट वॉज़ कैप डाउन बाई एंड इनर वॉइस दैट सेट बी स्टिल तो वैसे ही वो अंदर से उनकी एक आवाज़ आती है कि अभी तुम्हारा शांत रहने में ही भलाई है he wrote on the notepad पैड मे आई हेल्प यू वो नोट पैड में लिखते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड smiled. वो डायरेक्टली रे की तरफ को देखते हैं और जो अननोन इंसान आया होता है वो डायरेक्टली रे की तरफ देखते हैं और हंसते हैं A cruel मॉकिंग smile मतलब एक अजीब सी हंसी दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज there. वो दोनों जानते थे कि वो वहाँ क्यों हैं वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर और जो दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है दे लुकड लाइक मैन हु हुए डाउन ऑन देयर लक एंड वेयर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट और वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ेगा ओके द क्लॉक टिक ऑन रेक क्लाइमली रॉड अनदर मैसेज जो रे होते हैं वो क्या करते हैं एक मैसेज फिर से लिखते हैं हैव यू कम टू पिक अप क्लॉक और वॉच क्या तुम घड़ी और क्या तुम क्लॉक और जो दीवार पर टंगी वाली घड़ी होती है या वो या हाथ में पहनने वाली घड़ी लेने आए हो दैन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फील्ड विथ हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉचेज तो वैसे ही रे क्या होते हैं इशारा करते हैं इशारा करते हैं एक दीवार की तरफ जहाँ पे लोन बोर्ड टंगा होता है और जिसमें जो मतलब हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस जो कि भरा होता है हैंगिंग वॉच जो दीवार में टंगाते हैं उस वाली घड़ी से और पॉकेट वॉचेस से वो कोई मतलब कर्जदार नहीं थे जो ऐसे लोन वगैरह देते थे पर वो उन लोगों की मदद करते थे जिनको लोन चाहिए होता है और वो कभी भी उन लोगों को ना नहीं कहते हैं जिनको मदद चाहिए होती है टू द नीडी पीपल ओके ओल्ड वॉचेस और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनी थिंग दे कुड गेट ही लोन मोर देन ही शुड दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वॉन्टेड दैम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट then the older man seemed to feel a little easier took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist how much will you give me for this the man roared तो जो आदमी जब रे इशारा करते हैं दीवार की तरफ को जहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है तो तब वो आदमी समझता है फिर वो घड़ियों की तरफ देखता है वो अपने जेब से हाथ निकालता है और अपनी घड़ी की तरफ देखता है और वो नोट पैड में लिखता है कि हाउ मच यू विल हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस तुम मुझे इसका कितना दोगे द मैन रॉड वो आदमी लिखता है रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम तो वो जो ग्रे था जो आदमी था उसके आंखों में थोड़ा सा शर्म देखते हैं द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल घड़ी ज़्यादा खास नहीं थी एंड येट हैड ग्रेट पावर्स और मतलब इस पर बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं थी इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ये कुछ मतलब एक्सचेंज करने के मतलब था ए वे आउट ऑफ द बैड सिचुएशन मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे कि रे बाहर निकल सकते थे ओके नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्राइस रे आस्क हाउ मच डू यू नीड फॉर इट तो रे पूछते हैं कि आप मतलब आप कितना दोगे इसके बदले द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ तो वैसे ही वो आदमी रिप्लाई करता है कि जितना इसका होता है आप मुझे उतना दे दीजिए रे रीज इन टू हिज कैश बॉक रे अपने कैश बॉक पे देखते हैं जहाँ पे उन्होंने पैसे रखे होते हैं पुल्ड आउट ऑफ तो फिफ्टी डॉलर नोट और वैसे ही एक फ़िफ्टी डॉलर का नोट बाहर निकालते हैं एंड पास इट इन टू द मैं हैंड और वैसे ही उस आदमी के हाथ में देते हैं एज दे शॉक हैंड्स रे लुक्ड इंटू द मैन आईज दे सीम टू से थैंक यू वो उसकी आँखों में वैसे ही जैसे ही रे उसको पैसे देते हैं वैसे ही उस आदमी की आंखों में देखते हैं जिसकी आँखें थैंक यू बोलना चाह रही होती हैं दे बोथ नो वॉच वजेंट वॉर दैट मच वो दोनों जानते थे कि ये घड़ी इतनी महंगी नहीं है जितने कि उसको पैसे दे दिए गए हैं बिफोर टर्निंग टू लीव पहले जाने से पहले द मैन रॉट वो आदमी लिखता है आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन मैरी क्रिसमस वैसे ही वो आदमी बोलता है कि मैं अपनी घड़ी लेने वापस आऊँगा जितनी जल्दी हो सके मैरी क्रिसमस और वो आदमी रे को मैरी क्रिसमस बोलता है द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रेकिंग ऑल टुगेदर तो ये स्टोरी कहाँ पे ख़त्म होती है आधे घंटे में आधे घंटे में ख़त्म होती है जहाँ पर कि सारी वॉचेस साथ में चल रही होती हैं द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वल रेंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हीयर दैम और इतनी प्यारी सी मतलब म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी बाहर से कुछ ऐसे ही मतलब बहुत प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि रे के बहरे कान उन आवाज़ों को सुन सकते हो देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉर फील्ड विथ होप उनकी मतलब मधुर गानों की आवाज़ एक उम्मीद पैदा कर रही थी द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ यह टाइमलेस मैसेज क्या करता है धरती पे शांति फैलाता है गॉड गुड विल felt by फेल्ट three द थ्री मैन हु द ओल्ड क्लॉक शॉप तो सारी मतलब क्या है अच्छी चीज़ें कहाँ से आ रही थी जो कि तीन आदमी उस ओल्ड क्लॉक शॉप पे मौजूद थे आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो थैंक यू सो मच